सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो. आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल. टाइटल पढ़ के आ गए हो. एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इधर यू आर अ स्टूडेंट हु इज गिविंग हिज सीपल एग्जाम्स, हाँ, क्लोज टू गिविंग हिज सीपल एग्जाम्स, और आई मीन कैसे क्लियर किया जाए सीपल एग्जाम्स को, क्योंकि देर आर लॉट इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका 10 सीपल एग्जाम्स हैं एंड देर आर अ लॉट. And how I cleared my CPL exam in one go. Let me share this, the tricks I used. And let's begin the video. टिप नंबर वन जो आपकी होनी चाहिए वो है नो योर सिलेबस. सिंपल सी बात है, अब इतना सारा आपके पास है करने को, यू हैव अ लॉट ऑन योर प्लेट. अब तुम उसमें से हर चीज नहीं करके जा सकते. इफ यू वॉन्ट टू डू देम क्विक, इफ यू वॉन्ट टू क्लियर एग्जाम्स क्विकली सो दैट योर ट्रेनिंग कैन गो अहेड, तुम्हें कुछ लिमिटेड चीजें ही करनी पड़ेंगी. तो नो योर सिलेबस इज माई फर्स्ट पॉइंट. उसमें क्या है कि जब मैं सीपल एग्जाम दे रहा था तो आई यूज टू लिसन टू पीपल हु हैज जस्ट रिसेंटली पास द एग्जाम. मैं उनकी सुनता था कि उन्होंने कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा. सो मटीरियल सबके पास है, एवरीबडी नोज वेयर टू स्टडी फ्रॉम, व्हाट थिंग्स टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी देम. सो मैं उस पर टाइम वेस्ट करूंगा, कैसे पढ़ना है तुमको, मैं इस पर टाइम वेस्ट जरूर करूंगा कि क्या पढ़ना है तुम्हें, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. जो एग्जाम्स में आ रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये नहीं कि 100% कर लिया, उसमें दो हफ्ते लगा दिए एक छोटे पेपर में, देन यू वेंट टू द एग्जाम्स, उसमें से कुछ लिमिटेड पोर्शन आया, देन यू रियलाइज दैट आई वेस्टेड 2 weeks. मैं उसमें 2 weeks में दो एग्जाम्स लिख सकता था. सो फर्स्ट थिंग, नो योर सिलेबस. मैं क्या कहते हैं, जब मैं पढ़ता था तो मैं पहले पूछ लेता था लोगों से कि व्हाट टू स्टडी, और मैं वही पोर्शन पढ़ता था. मैं पढ़ता सारा था, बट आई यूज टू गिव मोर फोकस ऑन दोज सब्जेक्ट्स, दोज टॉपिक्स व्हिच आर ऑफन फ्रीक्वेंटली कमिंग इन द एग्जाम्स. ओके, so that helped me a lot, because at the end if I wasn't able to complete the 100% of the syllabus, जो कि major time होता ही है, I mean हर exam में जितनी बार मैं गया हूँ 100% नहीं हो पाया मेरे से, but I have read those topics which are frequently coming in the exams, and that helped me a lot in clearing my exams in the one go. So hopefully you get the first point, know your syllabus very well. Let's begin with the second tip. So let's begin with the second tip. और second tip होनी चाहिए, make your own notes. अब आप पढ़ रहे हो, you can't just क्योंकि in exams में क्या, there are multiple choice questions. Okay, so people what often do, what I see most people doing is they just do a lot of multiple choice questions. Just एक बार देखा, करते रहे, हो गया, that's it. एक और बार revise कर लिया, चलो कोई नहीं, हो गया. But उसका क्या है कि फायदा, your brain will skip some important questions, क्योंकि जो चीजें समझ नहीं आती है, you will tend to skip them, right? तो बट मैं क्या करता था, I used to make notes, handwritten notes. बहुत लोग बनाते हैं, बहुत लोग prefer करते हैं, and in the form of electronic notes, digital notes, sorry. तो these are my notes. CPL के 10 papers हैं, 10 folders हैं इसमें. Every folder has different subject, और मैंने ये notes बना रखे हैं. I mean these notes help me a lot, because आपके हाथों से बनाए हुए notes हैं. If you just do एक बार आपने पूरा कर लिया सिलेबस अपना, हाँ, अगर आपसे हो जाता है पूरा सिलेबस एक बार, एंड यू हैव रिटन दीज नोट्स, और तो बस क्या करना है, यू डोंट हैव टू गो थ्रू अगेन दैट मटेरियल, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू योर नोट्स बिकॉज यू हैव रिटन देम. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग लगे या फिर इंपॉर्टेंट लगे, जस्ट राइट देम डाउन. कुछ देर नहीं लगती है. इफ यू हैव इलेक्ट्रॉनिक iPad और a tablet, it's very easy for you. क्योंकि मैंने, मुझे पता था कि I forget a lot, तो I just used to write everything, either it's important or moderate. हाँ, easy things जो मेरे को पहले से irritated आई हैं वो तो नहीं करता था, but हाँ, I used to write a lot, और this helped me clear my exams. Seriously, handwritten was the key to clearing your exams, और उन्हें revise करना. तो I hope you get the significance of handwritten notes. मेरे पास 10 सीपीएल के हैंड रिटन नोट्स हैं, एंड विच इफ यू गाइज वॉन्ट आई कैन शेयर इट, जस्ट कमेंट डाउन बिलो, बिकॉज हर क्या कहते हैं, हर
पेपर के हैंड रिटन नोट्स हैं और जो मटेरियल पढ़ते हैं, जो लोग ज्यादातर पढ़ते हैं, एरोवर्सिटी एक साइट है करके जहां से ज्यादातर लोग पढ़ते हैं, तो उसके मैंने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं एंड इट हेल्प मी अलॉट, सीरियसली हेल्प मी अलॉट। या सो डू राइट योर नोट्स एंड क्या कहते हैं, कमिंग अप ऑन द थर्ड टिप जो हेल्प मी क्लियर माई एग्जाम्स वॉज रिवाइज रिविजन। ऑफकोर्स भाई, एक बार तुमने पढ़ लिया, ऐसा तुम्हारा दिमाग है नहीं, योर ब्रेन इज नॉट अ रोबोट कि एक बार गो थ्रू करने से यू विल लर्न एवरीथिंग, यू विल रिमेंबर एवरीथिंग। द की इज नॉट टू डू मच बट टू डू दैट थिंग विच यू रिमेंबर इन द एग्जाम्स। ओके, लेस इज मोर फॉर इन टर्म्स ऑफ पासिंग योर एग्जाम्स, क्योंकि मैंने बहुत पहले समझ लिया था अगर तुम ज्यादा पढ़ रहे हो तो विल टेंड टू फॉरगेट, राइट। अगर तुम कम पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हो, जो टिप नंबर वन भी थी, इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हो, कम पढ़ रहे हो एंड यू आर गोइंग थ्रू इट वंस अगेन और ट्वाइस, तो यू विल रिमेंबर दैट और एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाएगा, तुम टिक करके आ चुके एंड यू विल बी क्लियर, सिंपल। अब क्या है कि बच्चे एक बार सारा सिलेबस करने के चक्कर में दे फॉरगेट द रिविजन, दे गो टू द एग्जाम्स, दे जस्ट रिवाइज लाइक हाफ ऑफ इट एंड दे जस्ट गो टू द एग्जाम एंड दे फॉरगेट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दे नो दैट दिस क्वेश्चन दे हैव गॉन थ्रू बट दे हैव फॉरगेट व्हाट वाज द आंसर ऑफ इट। सो दिस थिंग ऑल्सो हैपन विद मी इन द एग्जाम्स, एक दो क्वेश्चन के साथ हो जाता है, यू कांट रिमेंबर एवरीथिंग बट फ्रॉम योर साइड यू हैव टू गिव योर बेस्ट, राइट। तो क्या कहते हैं, योर रिविजन इज द की, सिंपल। रिविजन के बिना इफ यू आर गोइंग टू एग्जाम्स यू विल टेंड टू फॉरगेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो द थर्ड टिप इज रिवाइज एग्जाम्स के एक दिन पहले, डू रिवाइज एवरीथिंग। अगर तुम्हारा 100% में 80% हुआ है ना और एक दिन रह रहा है एग्जाम के लिए, डोंट रन फॉर द 20% रिमेनिंग, जस्ट रन फॉर द 80%, वो 80% से आना चाहिए आपको। ओके, वो 20% छोड़ दो, 80% पे फोकस करो वो आखिरी के दिन के लिए एंड दैट विल हेल्प यू पास द एग्जाम्स। कमिंग ऑन द फोर्थ टिप, अब फोर्थ टिप क्या है कि कुछ लोग इररिलेवेंट समझेंगे, कुछ लोग समझेंगे आउट ऑफ द टॉपिक है, बट फॉर मी दैट हेल्प मी अ लॉट और मेरे सबसे फोर्थ टिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप दैट रियली हेल्प मी इन क्लियरिंग माई एग्जाम द वन गो। फोर्थ टिप वॉज गोइंग आउट, सिंपली 1 घंटा अपनी लाइफ का निकाल के आई यूज टू गो आउट, क्योंकि मेरे उस टाइम पे आई वॉज वेरी बिजी, I was doing my hire and fly, I was studying for the exams, that was also new for me, right? ठीक है, रोज फ्लाइंग करना was new for me, रोज एग्जाम्स के लिए पढ़ना was new for me, everybody goes through this phase, everybody has something different style to adapt to this, मेरा क्या था, I have to be out for 1 or 2 hours, so that outing hour was my gym, ठीक है, तो मैं जिम जरूर जाता था भले मेरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही हो, आई वेंट टू जिम एंड इट हेल्प माई ब्रेन टू क्लियर अप थिंग्स। ओके, सिंपल है ना यार, जब तक दिमाग में लोड नहीं हटेगा, इफ योर ब्रेन इज नॉट क्लियर, तुम कैसे और चीजें डालोगे। जिम जाओ या फिर कहीं भी जाओ, जस्ट टेक अ 1 hour आउट फ्रॉम योर 24 hour डे और सीरियसली इट विल हेल्प यू, क्योंकि सिंपली आई एम ऑल्सो ह्यूमन, इट हेल्प मी अलॉट। और भले ही वो एग्जाम्स बहुत बड़ा हो, भले ही वो एग्जाम बहुत छोटा हो, मैंने हर किसी के नोट्स बनाए, हर किसी चीज का रिवाइज किया, हर किसी चीज से पूछा कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, और हाँ हर दिन या फिर एटलीस्ट वीक में 4 to 5 times आई वेंट टू द जिम एंड इट रियली हेल्प मी, क्योंकि जिम से आता था मेरा दिमाग क्लियर है, आई एम नॉट इन सम कंफ्यूजन कि इतना रह रहा है उतना रह रहा है जितना रह रहा है, आई यूज्ड टू स्टडी एट नाइट, सिंपल है ना। तो दीज वॉज द फ्यू टिप्स दैट हेल्प मी क्लियर माई एग्जाम्स। अब तुम क्या कहते हैं सोच रहे हो भाई इतना कैसे हो पाएगा, भाई हो जाता है, इट टेक्स टाइम। स्टार्टिंग में मेरे बॉडी को अडेप्ट होने में 1 हफ्ता लग गया था, आई वॉज थिंकिंग लाइक द लाइफ हैज गॉन हेल, बट ऐसा नहीं है, यू हैव टू अडेप्ट योर बॉडी। तो सिंपल है, इफ यू वॉन्ट टू फास्टन योर जर्नी सीपीएल की साउथ अफ्रीका में, यू हैव टू क्लियर योर सीपीएल एग्जाम। सीपीएल एग्जाम नहीं क्लियर होंगे, You can't begin your training or you can't reach the end of your training. अगर training भी begin कर ली तो आखिरी में वो कैसे ले पाओगे CPL? I mean, 3 पट्टी कैसे आ पाएंगे अगर exam भी clear नहीं है तो वही time ज़्यादा लगता है। तो I focused on these few things. बहुत simple thing है, कहीं पे भी चले जाओ कोई रामबाण इलाज नहीं बता देगा तुमको कि exam clear कर लो, सब यही बताते हैं, मैंने भी यही किया है। और भाई एट द एंड में ना यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू गिव योर 100%, सिंपल। अब ये नहीं है कि यू आर लिसनिंग टू समवन ही सेड मैंने इतना ही किया और मैं हो गया पास, यू कांट जस्ट रिलाई ऑन वन सोर्स।
ठीक है, आई यूज टू लिसन टू टू थ्री पीपल्स एटलीस्ट, मिनिमम बेयर मिनिमम वॉज टू थ्री पीपल्स, दोज आर रिसेंटली गिवन एग्जाम्स, एंड देन आई यूज टू एस्टिमेट क्या कहते हैं उन्होंने क्या पढ़ा था और मेरे को क्या पढ़ना है. सिंपली आई ट्राइड फॉर द 100%, अगर नहीं हो पाया है एंड तक मेरा, जैसे कल एग्जाम है नहीं हो पाया 100%, तो आई जस्ट डोंट रश ओवर दैट रिमेनिंग पार्ट, आई जस्ट जम्प ओवर द रिविजन, एंड रिविजन हेल्प मी अलॉट. सिंपल है. तो दीज वर द टिप्स ऑफ me clearing my CPL exams within 2.5 months in first attempt, and hopefully you guys also give it your best, and best of luck for your CPL exams coming up ahead. Jitne bhi bache hain, go for it, you can do it. Or if you want my notes, you can just type down, I can make another video of the notes, because har subject ke notes hain, my handwritten notes, they're very easy. And they also have some DGCA material in it. So you guys will be beneficial. If you want these notes, just comment down below. I'll make a separate video of it. Thank you for watching this video. Let's see you in the next one. Bye.